यहाँ पर आए हुए एक एक व्यक्ति को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति जिसने यहाँ पे खड़े होके इस सड़क पर अपनी हिस्सेदारी का दावा किया, उन सब लोगों को एक क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम। सभी संगठन, सभी व्यक्ति, सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब साथियों का सच में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कल रात को लगातार कल दिन भर आप जानते हैं क्या हुआ। जब हम लोग रैली की तैयारी करते थे उस वक्त मीडिया पुलिस सब चलाते रहे कि रैली कैंसिल हो गई है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आके ये मीडिया को दिखा दिया, पुलिस को दिखा दिया कि हमारे पास बोलने का, जानकारी हासिल करने का और अपनी बात पहुंचाने का सिर्फ एक माध्यम टाइम्स नाउ नहीं है, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। हमारे पास लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क करने का रास्ता है और हम लोग करेंगे। साथियों, कल दिन में पूछा जा रहा था, मीडिया वाले पूछ रहे थे, पुलिस ट्वीट कर रही थी कि हमारे पास परमिशन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब अपराधियों की हत्या करने वाले शंभू लाल को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उस वक्त बजरंग दल के लोगों ने पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को घेर लिया और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर चढ़ के शर्मनाक तरीके से भगवा झंडा फैलाया। मैं पूछना चाहती हूँ पुलिस से, क्या वो आपसे परमिशन लेके गए थे या मोदी जी से परमिशन लेके गए थे? किससे परमिशन लेके वहां पर भगवा झंडा फैलाया गया? मैं पूछना चाहती हूँ, जब मॉब लिंचिंग का वीडियो ट्वीट किया जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, लाइव किया जाता है कि हम मुसलमानों को किस तरह से पीट रहे हैं, देखो छाती ठोक के ये काम किया जाता है, उस वक्त क्या वो पुलिस से परमिशन लेके करते हैं? क्या उनको अरेस्ट तक करते हैं? अरेस्ट भी नहीं किया जाता किसी को। लेकिन हम लोग जब अधिकार की बात करते हैं, जब युवा की बात करते हैं, जब मजदूर की बात करते हैं, तब पूछा जाता है परमिशन कहाँ। अरे आपसे पूछ के आंदोलन थोड़ी करेंगे, आपसे परमिशन लेके थोड़ी आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो होगा, आंदोलन तो सड़कों पे होगा, और परमिशन हो या ना हो, आप लोगों को परमिशन देना पड़ेगा और साथ में खड़े होना पड़ेगा। हम इस बात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार ने आपको हमारे साथ खड़ा कर दिया। दिन भर क्रांतिकारी नेताओं की बातचीत सुन के हमें लगता है पुलिस, मीडिया, राह चलते हुए साथी, हमारे इधर कॉर्पोरेट ऑफिसेस में काम करने वाले लोग, कुछ तो असर पड़ा होगा, कुछ तो बात मुझे लगता है थोड़ा उधर उधर चली गई होगी। तोड़ मरोड़ के भी मीडिया वीडियो में दिखा देंगे, लेकिन ठीक ठाक बात चली जाए। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं। हम लोग मौजूद हैं हमारे साथी चंद्रशेखर की रिहाई की मांग करने के लिए, और हम लोग मांग करते हैं कि ये जो क्रिमिनल योगी गवर्नमेंट है, जो क्रिमिनल चीफ मिनिस्टर है, वो आज के आज अभी के अभी चंद्रशेखर को रिहा करे। हम लोग इस मांग को पूरे देश में, पूरे यूपी में हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। लेकिन साथियों, चंद्रशेखर साथी पिछले 6 महीने से जेल में है। पहले उन पे सेडिशन लगाया जाता है, फिर एनएसए लगाया जाता है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक एक युवा के हाथ में चंद्रशेखर का पोस्टर है, एक एक युवा के हाथ में चंद्रशेखर की तस्वीर है। तो साथी चंद्रशेखर हमारे बीच में मौजूद है, हमारे यहाँ से दूर नहीं है, साथी चंद्रशेखर यहाँ है और साथी चंद्रशेखर हमारे आंदोलन में शामिल है। ये लोग, इन्होंने गांधी को मारा, इन्होंने गौरी लंकेश को मारा, इन्होंने रोहित वेमुला की हत्या की, इन लोगों ने नजीब को गायब करवा दिया। क्या हम सभी बातें भूलने वाले हैं? हम लोग भूलने वाले नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि वो लोग जिन्होंने नजीब को पीटा, वो लोग जिन्होंने रोहित वेमुला के साथ में उनको प्रताड़ित किया, वो लोग बहुत देर तक अपने ओहदे पर, बहुत देर तक अपनी पावर में टिकने वाले नहीं है। और हम लोग उम्मीद करते हैं